ओलंपिक खेलों में हर एक एथलीट सपना लेकर आते हैं कि वो मेडल ज़रूर जीतेंगे, लेकिन कुछ ही ऐसे एथलीट्स होते हैं जो अपने सपने को सच कर पाते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खत्म हुए हैं जिसमें कई एथलीट्स मेडल जीत पाए, तो कई मेडल न जीतने की वजह से निराश होकर लौट गए, लेकिन एक महिला ऐसी हैं जिन्होंने मेडल तो जीत लिया लेकिन उस मेडल को नीलाम कर दिया। दरअसल पोलैंड की एथलीट मारिया आंद्रेचक, जिन्होंने इस साल टोक्यो ओलंपिक में महिला जेवलिन थ्रो की प्रतिस्पर्धाओं में सिल्वर मेडल जीता था, उन्होंने किन्हीं कारणों की वजह से अपने सिल्वर मेडल को नीलाम कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, भला कोई अपने सिल्वर मेडल को कैसे और क्यों नीलाम कर सकता है? दरअसल मरिया के मेडल को नीलाम करने के पीछे दिल छू लेने वाली वजह है। मरिया ने पोलैंड के बच्चे के इलाज के खातिर अपने ओलंपिक सिल्वर मेडल को ऑनलाइन नीलाम कर दिया, जिससे उन्होंने बड़ी धनराशि जुटाई है। मरिया ने 8 महीने के बच्चे मिचोलक मलिशा के इलाज के लिए अपना मेडल नीलाम करने का फैसला किया था। इस बच्चे को दिल की गंभीर बीमारी है और इसका इलाज अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही संभव है, और ऐसे में बड़ी धनराशि की जरूरत थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बच्चे के इलाज के लिए 2,86,00,000 रुपए की जरूरत है। ऐसे में बच्चे के परिजनों द्वारा बच्चे के इलाज के लिए फंड रेज चलाया गया। मरिया ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए बच्चे के बारे में लिखते हुए बताया कि उन्होंने इसके लिए अपनी मदद के तौर पर अपने सिल्वर मेडल को नीलाम करने का फैसला किया है। जिसके बाद मरिया ने 16 अगस्त को फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया कि इस कदम के बाद उन्हें कई लोगों का समर्थन मिला है, और आखिरकार पोलैंड के ही सुपरमार्केट चैन जबाक ने उनके मेडल पर करीब 92.90 लाख रुपए की बोली लगाई है। मरिया ने अपने फेसबुक पोस्ट में इसकी जानकारी दी है और बताया कि जबाक ने बोली के साथ ही अपनी ओर से भी दान दिया है, जिससे करीब 1.43 करोड़ रुपए की रकम जुटाई जा सकी है। इस मुहिम को और भी खास इस बात ने बनाया कि बोली जीतने वाली कंपनी ने मरिया को उनका मेडल भी वापस लौटा दिया। आपको बता दें कि मरिया का यह दूसरा ओलंपिक था। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में भी हिस्सा लिया था, लेकिन वो रियो ओलंपिक में मेडल जीतने से चूक गई थी, जिसके बाद उन्होंने इस साल टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन के चलते सिल्वर मेडल जीत लिया।